दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि इतनी ढेर सारी मधुमक्खियां किसी इंसान के चेहरे पर आखिर कैसे आ जाती हैं? इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी ये मधुमक्खियां इन लोगों को डंक क्यों नहीं मारती? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल एक सेकंड लगेगा। प्लीज़ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी मधुमक्खियाँ एक इंसान के शरीर के ऊपर कैसे आ जाती हैं? इसके लिए ये लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। शरीर के जिस हिस्से में भी मधुमक्खियों को इकट्ठा करना है, वहाँ पर रानी मधुमक्खियों को सबसे पहले रखा जाता है। इस रानी मधुमक्खी को देखकर आम मधुमक्खियाँ भी वहीं इकट्ठा होने लगती हैं। ऐसे में धीरे धीरे ये जगह एक छत्ते का रूप ले लेती है, जहाँ पर हजारों मधुमक्खियाँ एक साथ होती हैं। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम नेचर एमएस है। ये केरल का रहने वाला है। महज कुछ महीने पहले ही इस लड़के ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसकी वजह से नेचर एमएस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके लिए नेचर एमएस ने 4 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड तक 60,000 से ज्यादा मधुमक्खियों को अपने चेहरे पर बनाए रखा था। हैरत की बात यह है कि मक्खियों को इतनी ज्यादा संख्या होने के बाद भी इस लड़के को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी बनाए गए हैं, जिसमें कि हजारों मधुमक्खियों को अपने चेहरे पर लोगों ने रखा है। लेकिन हालिया वर्ल्ड रिकॉर्ड नेचर एमएस के ही नाम है। नेचर एमएस के पिता मधुमक्खियों के बारे में कई सारे रिसर्च कर चुके हैं और बचपन से ही नेचर एमएस इन मधुमक्खियों के साथ रहे हैं। इनका मानना है कि मधुमक्खियां इंसान की बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं, और जब तक इंसान इन मधुमक्खियों के साथ छेड़छाड़ ना करे, मधुमक्खी उन्हें कभी भी डंक नहीं मार सकती। दोस्तों, मधुमक्खियां दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रजातियों में से एक मानी जाती हैं। पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 ही ऐसी प्रजाति होती हैं जो शहद बना सकती हैं। मधुमक्खियों की एक छत्ते में कुल 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां होती हैं। इनके साथ छत्ते में 400 से 600 तक ही नर मधुमक्खियां होती हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतनी सारी मधुमक्खियों के बीच में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी और मधुमक्खियों से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ आम मधुमक्खी केवल 40 से 50 दिनों तक जिंदा रहती है, वहीं रानी मधुमक्खी 4 से 5 सालों तक जिंदा रहती है। मधुमक्खियों का एक ऐसा कोई भी छत्ता नहीं होता जिसमें रानी मधुमक्खी ना हो, लेकिन एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि ये देखा गया है कि 2 रानी मधुमक्खियों की आपस में कभी नहीं बनती। जब 2 रानी मधुमक्खियां एक साथ होती हैं, तो एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। कभी कभी तो इनकी ये लड़ाई एक दूसरे की जान लेने के बाद ही खत्म होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें से एक पेट में ये खाए गए खाने को रखती हैं और दूसरे पेट में ये फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां केवल 1 सेकंड में 200 बार अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं। इनकी उड़ने की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है, जो कि मधुमक्खियों के शहद को इकट्ठा करने के काम आता है। मधुमक्खियों की सूंघने की शक्ति इंसानों की सूंघने की शक्ति से कई ज्यादा होती है। ये मधुमक्खियां 10 किलोमीटर दूर होने के बाद भी फूलों को सूंघ सकती हैं। इसलिए ये मधुमक्खियां कभी कभी फूलों का रस चूसने के लिए 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। एक मधुमक्खी अपने पेट में 50 से 100 फूलों का रस एक साथ रख सकती है। दोस्तों, केवल मादा मधुमक्खियां ही ऐसी होती हैं जो शहद बना सकती हैं और डंक मार सकती हैं। आमतौर पर ये मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, क्योंकि मधुमक्खियों का डंक उनके लिए बहुत कीमती होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो शहद बनाने के लिए इन मधुमक्खियों को 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। शहद की मिठास चीनी की मिठास से 25 गुना ज्यादा मीठा होता है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में छोटे चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर शहद बना सकती है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है, तो ये मधुमक्खियां एक दूसरे के आसपास ही रहती हैं, ताकि ये अपने छत्ते को गर्म रख सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।